चैनल ब्लॉसम विद मी और आप देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ आज सुबह सुबह और यहाँ पे बन रहा है चावल। मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई तेल गर्म हो रहा है। यहाँ पे है पॉम्पलेट फिश और आधा भूंज के रखी थी और आधा कच्चा है और मैं भूंज रही थी इधर। तो मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ अभी ना, मैं सब मसाला भी तैयार कर ली हूँ और ये मसाला में है प्याज और लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट, कुछ भी कुछ कुछ पेस्ट है और तीन चार किलो हरा मिर्चा मैं ऐसे गोटा काट के रखी हूँ और लहसुन है, अदरक है और टमाटर एक दो है और इसको मैं अच्छा से फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ना गोल्डन कलर आ जाए और उसके बाद मैं दूंगी अभी हल्दी पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर दे रही हूँ अभी और उसके बाद अभी मैं थोड़ा धनिया पाउडर दे रही हूँ और उसके बाद मैं दूंगी लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद मैं दे रही हूँ हल्दी पाउडर। उसको ना बढ़िया से चलाते जाऊंगी और अच्छा से फ्राई करते जाऊंगी और इसको मैं ढक्कन लगा के रख दे रही हूँ। अभी देख रहे हैं, हाँ हम उसको अच्छा से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद बढ़िया से फ्राई जब हो जाएगी, गोल्डन कलर जब आ जाएगी, उसके वहाँ उसमें मैं पानी डाल दूँगी। देखिए इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और ये इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। जब उबाल आ जाए तो मैं नमक डालूँगी, इसमें डाल रही हूँ और सब ना जो फिश मैं फ्राई करके रखी थी पॉम्पलेट फिश, उसको मैं एक एक करके इसमें छोड़ते चला जाऊँगी और मतलब करी में। ये देखिए मैं छोड़ रही हूँ एक एक करके, बढ़िया से मैं फ्राई कर ली थी पहले से ही ये पॉम्फ्रेट फिश को। एक्चुअली ना अचानक पता नहीं मन कर गया कि पॉम्फ्रेट फिश खाए, तो बहुत दिन से ही मन कर रहा था, तो मम्मी को बोल रही थी तो हस्बैंड भी नहीं जा पा रहा था बाज़ार की लेके आए, तो मतलब कुछ देर मतलब उस समय 10 बज रहा था तब ना, यहाँ से ना रास्ता से जा रहा था एक आदमी, मतलब वो बोले कि फिश है माछ माछ करके बोल रहा था। तो फिर हम बोले तो कि क्या मछली है, तो बोलते कि पॉम्पलेट है और रूही है। हम बोले तब दीजिए फटाफट पॉम्पलेट दीजिए, तो वही तो खरीद ली थी। तो ये छोटा सा छोटा है, हम बड़ा में खोज रहे थे तो बड़ा नहीं है, उसके पास नहीं था, तो इसीलिए तो मैं हमले ठीक है तो अच्छा हुआ पॉम्पलेट फिश मिल भी गया और हम बना भी ली। और घर में ना हम सरसों देखिए वैसे बनाते हैं, मगर घर में था नहीं सरसों, तो इसीलिए मैं इसका प्याज लहसुन देके अच्छा सा मतलब करी बना दी। ठीक है आप देख रहे कितना यम्मी लग रहा है। देखिए मैं लास्ट में ना इसको थोड़ा सा सरसों तेल देके गैस को ऑफ कर दूंगी अभी और फिश इज रेडी टू सर्व। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। हाँ ठीक है चलिए आप लोग भी खाइए। हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग सब? और अभी हो गया है, कितना टाइम हो रहा है, 1:15 हो रहा है और ना हम लोग का खाना पीना सब हो गया आज, और मैं आपको आज रेसिपी शेयर की हूँ क्या बनाए मैं खाना में। और ना अभी क्या करे, बाबू और बाबू का पापा तो सो गए इधर, इसका नानी मतलब मेरी मम्मी इधर देख रही है मोबाइल, और तो इसीलिए हम भी नींद नहीं आ रहा था दोपहर में सोने से ना, मतलब शाम में लगता है कि बहुत सो लिए है, रात को नींद ही नहीं आता है। तो ना सोचे थोड़ा आराम करूँगी, तो उसके पहले आप लोग से थोड़ा बात कर लेती हूँ।
तो इसीलिए हम अभी बैलकोनी में बैठे हैं, बैठ बैठ के बारिश हो रहा हल्का फुल्का, तो वही देख रहे थे। और अभी सोचे क्या करें क्या करें क्या करें, नेल पॉलिश पहन लेती हूँ। ठीक है चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, एक्चुअली आपको कल बोले थे कि हम लोग कहीं शाम में सरप्राइज जाएंगे, नहीं बोलेंगे, मगर सॉरी टू से नहीं हो पाया वो काम। बताती हूँ क्या काम है, मतलब था कल था एक्चुअली, हम लोग देखने गए थे ना यहाँ पे कदमा बोल के एक तो जगह है जमशेदपुर में, वहाँ पे ना मतलब बहुत बड़ा मूर्ति लगता है गणेश भगवान जी की, तो वहाँ पे गए थे हम लोग मतलब वो मूर्ति देखने, मेला भी घूमने, और साथ में सोचे थे कि दुर्गा पूजा का कुछ मतलब शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो गए तो उतना दूर गए, बाबू को लेके भी गए थे, आप लोग देखे मतलब वीडियो में दे दूँगी आपको, शेयर करूँगी फिर भी। और गए तो वहाँ देखे कि नहीं लगा मेला, बहुत बड़ा फील्ड था, मेला नहीं लगा, और गणेश भगवान का मूर्ति भी नहीं बिठाया, छोटा सा बगल में कल क्लब था, क्लब में छोटा सा मूर्ति बिठाए थे, बस प्रणाम करके आए। तो मन ख़राब हो गया, मतलब जो काम में गए तो नहीं हुआ, और काम दूसरा काम था कि शॉपिंग का बाद, तो मतलब मेरा हस्बैंड मतलब जहाँ से कपड़ा लेते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग गए थे तो वो दुकान ही बंद था, और मतलब वो मॉल था उसका नाम था गोलछा, तो वो पूरा मॉल ही बंद था, पता नहीं कल क्या था, पता नहीं कुछ कारण होगा उसके लिए पूरा मॉल ही बंद था, तो इसीलिए हम लोग कुछ काम नहीं हो पाया, घर आए चाट खा के घर आए, बस यही काम हुआ। समोसा चाट अच्छा होता है वहाँ पे एक जगह में जुगसलाई में, वहाँ पे एक समोसा चाट खा के फिर घर आए इसीलिए। ठीक है फिर भी मैं मूर्ति का वीडियो बनाई हूँ, तो हाँ उसका मैं वीडियो आपको शेयर करूँगी। हम लोग तो घर पहुंच गए, मगर जो काम के लिए गए थे वो काम नहीं हो पाया। ठीक है हम लोग क्या क्या खरीद के लाए, ये इसका अंदर है, मैं दिखाती हूँ। ठीक है रुको आदि, नहीं करो बदमाशी। ठीक है दिखाती हूँ, और यहाँ पे मैं खरीद के लाई ये हेयर बैंड, ऐसे छोटे छोटे बाल है ना इसके लिए, और ये छोटा वाला सीसी क्रीम, ये सीसी क्रीम लाई, ख़त्म हो गया था मेरा, हाँ जाएंगे थोड़ा देर में। और ये है कॉटन, अच्छा ये है क्लिप लिए है क्लचर, मेरा बड़ा थोड़ा क्लिप लगता है, बड़ा बाल है थोड़ा सा इसीलिए। और ये है नेल पॉलिश रिमूवर ब्लू हेवन का नेल पॉलिश रिमूवर, बस यही सब खरीद के लाई, मगर जो काम में गए थे वही नहीं हो पाया, क्या करें नहीं हो पाया। फिर कभी चलेंगे देखेंगे होगा तो। ठीक है अभी मैं बैठी हूँ, ये कॉटन लेके कल लाई थी ना, कॉटन है देखिए, थोड़ा सा मैं फाड़ के एक ही थी साफ की थी अपना, और ये कॉटन लाई थी ना मैं, और थिनर भी लाई थी इधर, ये वाला ब्लू हेवन का थिनर लाई थी नेल रिमूवर, तो इससे ना
ये जो नेल पॉलिश है, ये सब है, पैर का भी है, तो वो सब उठाऊंगी, मतलब रिमूव करूंगी, और इसमें से कोई भी कलर लगाऊंगी, ये दोनों में सोच रहे थे कोई भी कलर लगाऊंगी। ठीक है मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। ठीक है गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल दूसरा वीडियो लेके। तब तक मेरा साथ रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके बताइए। ठीक है, बाय बाय।